सुनो, तुमने खाना खा लिया? तुमने खाना खाया? मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना। मैं भी तुमसे पूछ रहा हूँ ना। तुम मेरी कॉपी कर रहे हो? तुम मेरी कॉपी कर रही हो। चलो शॉपिंग पे चलते हैं। हाँ, मैंने खाना खा लिया था। सॉरी। जान, आज मैं तुम्हारी मोहब्बत में बीत जाना चाहती हूँ। चल बहन की लवड़ी, पागल हो गई है क्या? इतना थोड़ी निकलता है मेरा कि तुझे भिगा दूं। दो लौड़िए चाणक मार के उतरे चले गए फरिश्तिया ने जुतियां मार के फिर करता। क्यों? उन्हें पूछा जन्नत कैसी लगी, कहते ठीक है पर लौड़ लौड़ी है। पता नहीं यार, कुछ औरतें ना अपनी पति की बुराई कैसे कर लेती हैं। हाँ यार, मेरा पति तो फिर भी निखट्टू है, कुछ काम धंधा नहीं करता, घुमाने नहीं लेके जाता, हद के कभी हाथ तक नहीं धोता, तब भी मैं कभी बुराई नहीं करती उसकी। हाँ अच्छा। अबे वो पागल क्या कर रहा है? यार पाप धोने थे, कौन सा साबुन अच्छा रहेगा वही देख रहा हूँ। अच्छा, अरे ये बैग लेकर कहाँ जाने की तैयारी है? अरे कल रात न्यूज चैनल वाली बोल रही थी, आइए हम आपको सीधे मुंबई लेकर चलते हैं, तब से तैयार होकर बैठा हूँ, अभी तक नहीं आई। यार राणा एक गल ते दस, ये जहाज एडा वड्डा हुंदा है, इनू रंग किवें करदे ने? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਾਸ਼? ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੈਕਸ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੁਰਸ਼ੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਜਾਓ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਓ, ਆਏ ਬੜੇ ਦੇਸੀ। ਓ ਮੈਡਮ ਦੇਸੀ ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਫੋਨ ਪੇ ਬਾਤ ਕਰੇ ਕਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਕੀ ਅੱਛੀ ਪਾਓਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਥੋਬੜੇ ਪੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਮੇਕਅਪ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੱਟੇ ਨਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਕੇ? ਹਟੋ, ਮੈਂ ਬੈਠੂਗੀ। मैं बैठूंगी। अरे यार क्यों लड़ रहे हो, जो उम्र में बड़ी हो पहले बैठ जाए। आप बैठ जाओ। नहीं आप बैठो। क्या औरतें हैं यार। शादी करनी है? आ? तू की मैंने शादी करनी है? क्यों? तू सुहाग रात वाले दिन एक चटका भी नहीं सहना। ओ जा बाज जा मेरे को, मेरे हथे चढ़ गई, तू तो बचे ही है जमने जमे। अबे मत कर, पहले ही तेरी वजह से ये फर्श टूट गया था, अब दोबारा नया बनवाया तो फिर तोड़ना चाह रहे हैं। भैया मेरी पासपोर्ट साइज फोटो खींच दो, और उसमें मेरी ना नई चप्पल भी आनी चाहिए। हाँ ठीक है मैडम, टट्टी वाले स्टाइल में बैठ जाओ, अभी खींच देता हूँ। पागल हो गई हो क्या? इतनी सुबह सुबह मेकअप चुपचाप लेटे रहो, मुझे अपना मोबाइल खोलना है, उसमें मैंने चेहरा पहचानने वाला लुक लगा दिया था, अब वो मुझे पहचान नहीं रहा। दस का दो चप्पल। भैया मुझे चार चप्पल चाहिए। हाँ लीजिए, चार चप्पल लीजिए। ओए बच्चे लगा लो, मोला बाहर आ गया जे। तू बच्चे खाना? आहो बच्चे खाना, मैं मोले दा पार पूरा शहर चुक सकलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझसे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि दिलों में मोहब्बतें ख़त्म हो गई हैं, वक्त कितना बदल गया, खून सफ़ेद हो गया। तो देखें ना खून सफ़ेद हुआ है और ना ही वक्त बदला है, तो सिर्फ इंसान बदला है। दिलों में चाहते क्यों ख़त्म हो गए हैं, कभी ये बात सोची आपने? इसकी मेन रीज़न है मोबाइल्स।
आज हम किसी गैदरिंग में बैठे हों, आपस में बातें करने के बजाय सब मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। अब लोग ये बोलते हैं मोबाइल आया, अलार्म ख़त्म, मोबाइल आया, घड़ी ख़त्म, मोबाइल आया, ईद कार्ड ख़त्म, लेकिन मैं ये बोलता हूँ मोबाइल आया दिलों में मोहब्बतें ख़त्म, मोबाइल आया दिलों में चाहत ख़त्म, मोबाइल आया दिलों में इज्जत ख़त्म। पहले ज़माने में लड़ाइयाँ क्यों नहीं होती थी, कभी सोचा किसी ने? क्योंकि उस ज़माने में जब कोई लड़ाई वाली बात होती थी तो वो ये बोलते थे जब कभी मिलेंगे तो बात करेंगे उनसे, सालों बाद जब मिलते थे तो वो बात का गुस्सा ख़त्म हो चुका होता था। आज का ज़माना ये हो गया कि छोटी सी बात तो फ़ौरन कॉल करके एक छोटी सी बात का बहुत बड़ा मसला इशू क्रिएट हो जाना। हर चीज़ को यूज़ करने के दो तरीके होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन अफसोस इंसान इसको नेगेटिव यूज़ कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैंने ये कहना था जो मेरी वीडियोस लाइक नहीं कर सकता वो कोई फजूल कमेंट भी ना करे, ठीक है ना? जिसको पसंद है वो लाइक करे, जिसको नहीं पसंद वो लाइक ना करे। मैं किसी के लिए वीडियोस नहीं बनाती, अपने लिए बनाती।